subscribe to our channel Sin TV News and press the bell icon for the latest update. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार, मैं तवानी मेज़बान सबीन मेमर। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में गाल कंदासीं सिंधी राजधानी कराची में पुरअसरार गैस जे हवाले सां, जंहिंमें 14 माण्हू हेल ताईं फौत थी चुका आहिनि ऐं रोज़ानो जी बुनियाद ते केतिरा ई माण्हू साह जी तकलीफ़ सबबु इस्पतालनि जो रुख कनि था, जॾहिं त वफ़ाक़ी सूबाई हुकूमत ॿई इन शइ खे ऑन करण जे लाइ तयार न आहिनि त आख़िर इहो मामिलो आहे छा। जॾहिं त जेका कमिश्नर पारां रिपोर्ट वॾे वज़ीर खे ॾिनी वई आहे, उन मूजिबि उन रिपोर्ट मूजिबि त सोयाबीन डस्ट जे करे इहो जेका आहे गैस फैलिजे थी, जंहिंजे करे माण्हुनि खे साह जी तकलीफ़ थिए थी, जंहिंमें 14 माण्हू फौत थी चुका आहिनि। जॾहिं त वफ़ाक़ी वज़ीर अली ज़ैदी जो चवणु आहे त इन तरह जो को बि मामिलो जहाज़नि में न थियो आहे। सूबाई हुकूमत जो चवणु आहे त असां पंहिंजो कमु करे रहिया आहियूं, वफ़ाक़ी हुकूमत जे हवाले सां जेको कमु आहे उहो उन्हनि खे करिणो आहे। इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हि कंदासीं सिंध में बदमनी जी लहर जे हवाले सां। सहाफ़ी अज़ीज़ मेमण जे क़तल खां वठी शहनाज़ अंसारी जा क़ातिल अञा ताईं गिरफ़्तार न थियण सिंध हुकूमत जी कारकर्दगी ते सवालिया निशान आहे। सिंध हुकूमत जो चवणु आहे त IG सिंध जी बदली खां सवाइ सिंध में अमन अमान जी सूरत हाल बहितर नथी थी सघे। मजमूई तौरु अॼोके प्रोग्रामनि में इन्हनि मौज़ूअनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे स्टूडियो में जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे उन्हनि जो तारुफ़ कराईंदे लाइ पीपल्स पार्टी सां तालुक़ु रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली डॉक्टर सोराब सरकी। डॉक्टर साहब, भलीकार चाहींदा असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो। नाज़रीन, GDA जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ GDA मां असांखे जॉइन कयो आहे सरदार रहीम साहबु। आपको वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में जॉइन किया। डॉक्टर साहब, पाणी हुजे, बिजली हुजे, इख़्तियार हुजनि, फंड हुजनि, हर मामले ते अमन अमान जी सूरत हाल हुजे, सियासत कई पई वञे। कराची खां शुरू कंदासीं, सिंधी राजधानी कराची में पुरअसरार गैस जे करे हिन वक़्त ताईं 14 माण्हू फौत थी चुका आहिनि। टिनि ॾींहनि ताईं त का ख़बर न पई पए, जे चोथों ॾींहुं आहे त आख़िर इहो मामिलो छा आहे ऐं वञी इहो सोयाबीन डस्ट जे हवाले सां इहो मामिलो निकितो आहे, जेका रिपोर्ट पेश कई वई आहे, छा चवंदो? वॾी महिरबानी तव्हांजी। जीअं तव्हां ॿुधायो त रिपोर्ट अची वई आहे, मां तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधायां त को इशू न आहे। जेकॾहिं हिकिड़ो बि ख़ुदा नखास्ता कोई माण्हू जेकॾहिं मरी थो वञे, उनजी जेकॾहिं इन्वेस्टिगेशन कजे, जेकॾहिं उनजो पोस्टमार्टम कजे, उनखे लेबॉरेटरी में टेस्ट वग़ैरह कराइजे त इशू उहो ज़ाहिर थी वेंदो। उन में मां नथो लॻां एतिरो टाइम ज़रूरु लॻंदो जेतिरे टाइम में उनजी रिपोर्ट अचे या रिपोर्ट उहा पेश थिए। बाक़ी इन में जेकी हिन वक़्तु जेकी पोज़ीशन आहे बज़ाहिर जेकी उहा क्लियर कट आहे त उहो गैस जे करे थियो आहे ऐं ॿियनि माण्हुनि खे बि थिए थो, ऐं इहा स्मेल जेकी आहे काफ़ी दूरि ताईं जेकी स्मेल इहा महसूसु बि कई वञे थी, ऐं जेके इहा पोर्ट मां थियो आहे, पोर्ट जे इलाइक़े मां थियो आहे, तव्हां बि ख़बर आहे उते जहाज़ अचनि था, उते का फ्यूमिकेशन थी आहे या को ॿियो इशू थियो आहे, उन खां इहा सूरत हाल पैदा थी आहे। सोयाबीन जे हवाले सां इहा जेकी रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर खे ॾिनी आहे। मसिलो इहो आहे त प्रॉब्लम इहो आहे त मां हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां तव्हांखे त ख़ुदा न ख़ासि जंहिं बि मुल्क जे अंदरि जेकॾहिं जेके बि इदारा आहिनि उहे जेके बि इदारा आहिनि जेकॾहिं हिक ॿिए सां ऑन बोर्ड न हूंदा, जेकॾहिं इशूज़ ते पाण सां वेही करे न ॻाल्हाईंदा ऐं पाण सां मीटिंग्स न कंदा, ज़ाहिर आहे हर कंहिंजी अलहदा अलहदा ज़िमेदारी आहे। तव्हां इवन जेको आहे तव्हां पाण ॾिसो त जेके असांजा कैंट एरियाज़ आहिनि उते बि ख़ुदा न ख़ासा कोई जेकॾहिं वाक़ियो थो थी वञे, उन वाक़े जी FIR जेकी आहे तव्हांखे पाण ख़बर आहे त उहा उतां जो जेको हद जो SHO आहे उहो दाख़िलु कंदो। हिकिड़ो आइन आहे, कानून आहे, उन पैरामीटर में रही करे माण्हू जेकॾहिं सभु कमु करनि। पर अफ़सोस इहो आहे त हिते हाणे मां सरदार साहब बि मूंखे हाणे ॿुधायो थोरी देरि अॻु में चयो त मिनिस्टर साहबु जेको आहे अली ज़ैदी साहबु उन इहा ॻाल्हि कई आहे त इहो अहिड़ो को इशू आहे कोन गैस वग़ैरह जो, ऐं तमामु सुठी सरदार साहब ॻाल्हि कई, इहा ॻाल्हि कयां त जेकॾहिं इशू न आहे पाण मास्क न पाए वञे, वञी मिनिस्टर उते वञे, वञी करे उते फोटू कढाए जहाज़ ते जिते इहा गैस निकिरे थी ऐं माण्हुनि में हिकिड़ो कॉन्फिडेंस ॾिनो वञे। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त मां तव्हांखे ॿुधायां, जेतिरे ताईं केर बि हुजे, जेतिरे ताईं जेको बि माण्हू उन में इन्वॉल्व आहे या जंहिंजी नेग्लिजेंसी आहे, जेतिरे ताईं हिन मुल्क जे अंदरि सज़ा जज़ा न थींदी त इहे रेलवे जा वाक़िया तव्हांखे पाण ख़बर आहे, ॿिया काफ़ी जेके अहिड़े क़िस्म जा सानिया पैदा थियनि था, तव्हांखे पाण ॾिठो त हिते हिन में कराची में जेके फेडरल लार्ज आहिनि उन में जेको वाक़ियो थी वियो ऐं उन में उन्हनि माण्हुनि ते कोई बि उन्हनि ते कारवाई नथी थिए, नतीजतन माण्हू जेके आहिनि उहे जेकी उनजी ज़िमेवारी आहे, छाकाणि त भउ कोन्हे त इन जे करे ज़िमेवारी पूरी नथा करनि। इन में जेके इनवॉल्व आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ु मां सम्झां थो हिकु दफ़े सख़्तु कारवाई थिए ऐं उन्हनि ते ज़िमेवारी फिक्स थिए, उनखे सज़ा मिले त मां सम्झां थो इहे वाक़िया ख़तमु थी वेंदा। सरदार साहब, ज़िमेवारों को सज़ा तो बड़े दूर की बात है, डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन नाम तक सामने नहीं आती, वजूहात सामने नहीं आती। अभी भी आपने देखा कि इस मामले को वफाक किस तरह से इस पे जो है वो सियासी बयानबाजी कर रहा है, सूबाई हुकूमत
मशीनरी हमें पूरी मुतारिक नजर आई, दिन रात जो है विजिट्स हो रहे हैं, लेकिन हुआ क्या, वही 14 लोग अपनी जानों से इन 3 दिनों में हाथ धो बैठे हैं, लेकिन होगा क्या, जिम्मेवारों को सजा मिलेगी, लोगों को बताया जाएगा किस वजह से हुआ, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकेगी, आवाम के सामने तफसीलात लाई जाएंगी, या फिर इंसानी एक भी इंसानी जान जाया होती है वो इतनी सस्ती तो नहीं होती। जी बिल्कुल आपने सही फरमाया कि जो कसूरवार होते हैं उनको सजाएं नहीं होती हैं, उसकी वजह से फिर उनको खुली छुट्टी मिल जाती है और दूसरे लोग भी अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करते। देखिए इस वाक़े से रिलेटेड दो स्टोरीज हैं, दो थ्योरीज हैं। एक वो कहते हैं कि सोयाबीन डस्ट की वजह से एक केमिकल रिएक्शन हुआ है और ये अलमिया हुआ है, अमवात हुई हैं, लोग अस्पतालों में दाखिल हुए हैं। दूसरी स्टोरी ये कि पुराने कपड़े जो इंपोर्ट करते हैं हम, उसको उसकी फ्यूमिगेशन हो रही थी और वो गैस जो है वो बड़ी जहरीली गैस होती है और वो उड़ गई हवा के डायरेक्शन में। ठीक है, मैं दोनों स्टोरीज को मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसकी वजह ये है कि दोनों चीज़ें इम्पोर्ट हुई थी और आपको पता है कि हमारा जब चावल एक्सपोर्ट होता है तो जो बायर है बाहर बैठा हुआ है वो कहता है इसकी फ्यूमिगेशन आप कराएंगे। हमारा अगर जब अच्छे वक्तों में कनक एक्सपोर्ट होती है, वीट एक्सपोर्ट होती है, तो भी वो ये शर्त होती है कि इसकी फ्यूमिगेशन यहीं पर होगी। सरगी साहब मैं सही कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जब इम्पोर्ट कोई हम चीज करेंगे तो उसकी फ्यूमिगेशन जहां से हम इम्पोर्ट करते हैं वहीं पर होगी। तो यहाँ पर फ्यूमिगेशन का कोई इस तरह से कोई प्रोसीजर में नॉर्मल चीज नहीं है कि हम इम्पोर्ट भी कर रहे हैं, और क्योंकि अगर वो अफेक्टेड है चीज तो जहां से वो आ रही है उस वेयर हाउस से लेकर कराची पोर्ट तक वो एक समझें कि खतरे का सामान है। ठीक है, अब अगर पुराने कपड़ों की बात कर रहे हैं तो लोग मर जाते हैं, पुराने होते हैं, पड़े रहते हैं, उसमें बैक्टीरिया होता है, उसमें बीमारियां के जर्म्स होंगे। ठीक है, तो ये ज्यादातर जो है मगरबी ममालिक से आती है, तो आप ये समझ सकती हैं कि मगरबी ममालिक में लोग अपने सिटीजन्स को इस किस्म की बैक्टीरिया ज्यादा और जर्म ज्यादा कपड़ों को हाथ लगाने देंगे। तो ये थ्योरी मुझे समझ में नहीं आती कि वो पुराने कपड़ों में उन्होंने फ्यूमिगेशन की और उसकी वजह से। सोयाबीन डस्ट क्या है, मतलब सोयाबीन जब वो उतार रहे हैं तो जो उसकी मट्टी उड़ रही है समझे, उसको वो कह रहे हैं। अगर वो इतनी जहरीली हो सकती है और ये कहते हैं स्पेन में हुई थी, वहां पे भी अम्बात होती हैं, ठीक है, वो साला साल में मतलब बहुत चंद उसकी मिसालें वो देते हैं। तो अगर हैजर्डियस मटेरियल है वो, तो उसकी एप्रोप्रिएट मुनासिब पैकिंग में आनी चाहिए ना। अगर एक चीज समझे कि केमिकल जैसे आता है तो वो केमिकल के कंटेनर्स होते हैं और उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी खास ट्रक होते हैं। तो अगर हैजर्डियस मटेरियल है तो वो इस तरह से खुलेआम तो नहीं आएगा जैसे कि आप कनक उतार रहे हैं और उसमें से डस्ट निकल रही है, कोई हैशिंग कर रहे हैं। का जो अमल है, सुबह हुकूमत की जो स्टेटमेंट थी कि वो नहीं, तो मैं जो 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 बात जिस पर जा रहा हूँ ना सबीन, वो ये है कि ये झूठ बोल रहे हैं अवाम से दोनों, न ये सोयाबीन है न ये पुराने कपड़े हैं। अगर ऐसा है तो ये आप बहुत बड़ा जो भी इंपोर्ट कर रहा है या जो अथॉरिटीज हैं जो उसको अलाउ करती हैं इस तरह जाने, वो एक इंटरनेशनल जो रूल्स हैं इस हैजर्डस मटेरियल के, उसकी खिलाफ वर्जी इन्होंने की है। तो सबसे पहले तो मुजरिम वो है। सही। दूसरी बात ये है कि अगर ये नहीं है तो झूठ क्यों बोल रहे हैं, तो फिर पसे पर्दा क्या है, उसकी खोज जो है मेरे ख्याल साफी बिरादरियों को लगानी चाहिए, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होनी चाहिए। अगर किसी को इतनी मालूमात हैं केमिकल के बारे में, और ये जरूर है आजकल इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है डॉक्टर साहब, सवाल ये तो पैदा होता है, हर शय सियासत का ही वजह थी, सियासी बयानबाजी जरिए शयन के लिखाया तो वने
عوام کے بدھائے نہ تو ونجے حقیقت چھا ہے تے بھی ہانے جے کنے صوبائی حکومت جو موقف ہو تو بھائی وہ وفاقی دار وائیں کے پی ٹی جو موقف آیا ہے اسا ان میں نہ انٹرفیئر کرے سگوں جے کنے ایو ہی ہو تے علاقے جو کو سرچ آپریشن کرے سگیو پے یا کو اڑی تلاشی وٹھی پے سگی جے کنے ہوتے نہ یا کڑی گڈل جوائننگ ٹیم الگ الگ وزٹس کیا پے ونجن گڈجی کرے جے کن سے بس صوبائی وفاقی وزیر ونجن ان علاقے جو وزٹ کن ہا ٹیموں وٹھی ونجن ہا تے کھلی عام عوام کے دکھارے نا میڈیا جی ٹیم کے وٹھی ونجن ہا تے خبر پیا معاملے کے لکائے ایں دبائے تے ضرور کچھ مانن کے جو سو بچائیں دی کوشش کی وئی نا صحیح چو تھا تاں بالکل ماں پہروں ہی تاں کہ یہی عرض رکھیو تے جکی صورتحال ہے جے کنے صحیح طریقے سان ان صورتحال کے مانن جگہ پیش کیو ونجے ظاہر اکڑی گال ہا تے اوتے جکے جیاں سردار صاحب چایو بالکل صحیح سردار صاحب جن چایو त उतां जेकी फेमिकेशन उते थी ईंदी आहे असां ॿाहिरि मोकिलींदा आहियूं कणिक त असां हितां फेमिकेशन हिकिड़ा रूल्स हूंदा आहिनि पूरे वर्ल्ड वाइड उहे त जेकॾहिं अहिड़ी सूरत हाल हुजे त जहाज़ में जेके माण्हू सफ़र करनि था त उहे जहाज़ वारा माण्हू ई उते मरी वञनि बाक़ी हाणे मूंखे पाण खे इहा ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे जेकी हक़ीक़त आहे उहा हक़ीक़त माण्हुनि खे ॿुधाइण जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ठाहिणु खपे ऐं क्लियर कट जेको आहे विद इन 48 अवर्स उहे मां इन जे करे चवां थो 48 अवर्स त मुमकिन आहे त जेके उन्हनि जा जेके सैंपल वग़ैरह लेबॉरेटरी में वेंदा त उन में कुझु टाइम मां डॉक्टर आहे त उहे वठंदा आहिनि उहो उन खां पोइ उहा ख़बर पवंदी आहे त कहिड़ो छाजे करे हिन जी मौत थियो आहे उहो मुंहिंजे ख़्याल में को इशू न आहे उहो ऐं हिकिड़ी जेकी उन्हनि सिंध गवर्नमेंट जेकॾहिं उन्हनि जी हिकिड़ी रिपोर्ट आहे त जेकी हुननि जी रिपोर्ट आहे पाण में उहे ॿई जॉइंटली वेही करे इन्वेस्टिगेट करनि आया इहो मसइलो आहे या को ॿियो मसइलो आहे तव्हां पाण ॾिसो था त 100 मसला आहिनि हिकिड़ा टेररिज़म आहे दहशतगर्दी आहे या 100 ॿिया मसला आहिनि त असल हक़ीक़त ताईं माण्हू न पहुचंदो जेकॾहिं डॉक्टर उन जेकी बीमारी आहे उनजी लही बि न सघंदो बीमारी कीअं आहे त उनजो इलाजु कीअं कंदो इन जे करे मां सम्झा थो इनखे तमामु घणो सीरियस वठणु खपे ऐं सीरियस वठी करे हाणे उहो त सिंध गवर्नमेंट त चए थी त असां पाण पंहिंजे तरफ़ो इंक्वायरी कयूं या ऐं उन में असांखे सोयाबीन जेको आहे डॉक्टरनि हुननि खे रिपोर्ट ॾिनी आहे ظاہر جو کو چیف منسٹر یا منسٹر وہ ٹیکنیکل نہ ہوندا ٹیکنیکل مانو ان کے بدھائندا پر جے کہ یہ گال غلط آ جے کی حقیقت آ فیڈرل گورنمنٹ اچے پان میں وہی کرے جوائنٹلی ایکڑو ایشو تھیو آ تے بیران تے وری ان جی روک تھام تے تھے نا باقی ان صرف جے تواں چیو تے سیاست دی نظر ہر شے تھی ونے سیاسی بیان اچن سٹیٹمنٹ اچے کو اچے کرے دفاع کرے مرکز جو کو اچے صوبے جو دفاع کرے وہی کرے ان کو پہترا 14 مانو مری ویا ان میں بالکل ماں ہانے بھی چواں تو कंहिं न कंहिं जी इन में नेगलिजेंसी ज़रूरु आहे जंहिंजी नेगलिजेंसी आहे उन्हनि खे सज़ा मिलणु खपे सरदार साहब 14 अफ़राद खे क़तल का मुक़दमा किस पर दाख़िल किया जाना चाहिए यहां तो ये सूरत हाल है कि सड़कों पर जो कुत्ते हैं बच्चों को जिस तरह से काटते हैं बच्चों की अमवात हो जाती है उस पर ही सूबाई हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये तो 14 अफराद की जान तो एक भी कीमती है लेकिन ये मेरे ख्याल इनकी तादाद जो हुक्मरान है उनकी नज़र में बहुत कम होगी नहीं देखे मामला इससे ज्यादा गहरा है और ज्यादा संगीन है हम ये तो बात कर रहे हैं कि ये गैस कहां से आई किस तरह से कौन सी गैस थी इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए हमारी तैयारी क्या है कि अगर इस किस्म के वाकयात हो जाए तो हम कैसे उसको संभाल सकते मैं आपको सच बात बता रहा हूँ ये मेरे इल्म में ही है कि नॉर्मल हालत में भी मतलब रोजमर्रा रोजाना के हालात में अस्पतालों में इतने ऑक्सीजन के फैसिलिटीज नहीं है कि जो नॉर्मल मरीज उधर जाते हैं सबको ऑक्सीजन मिल सके लोगों को वापस कर दिया जाता है कि हमारे पास अब और मजीद ऑक्सीजन और वो सिलसिला नहीं है ठीक है तो ये अगर एक क्राइसिस हो जाता है जिसमें 150-200 लोग अफेक्ट हो गए तो कहां से आप इनको इसको संभालेंगे एक दो हॉस्पिटल तो नेगलिजेंस तो स्टेटमेंट दे दी कि हमारे पास मजीद गुंजाइश नहीं है इन तीन मैं कह रहा हूँ नॉर्मल दिनों में मतलब आम दिनों में जब कोई इस तरह का क्राइसिस ना हो तब इनके पास फैसिलिटीज नहीं है ठीक है एंटी रेबीज की वैक्सीन तो बात मशहूर हो गई है इनके पास कुछ भी नहीं है लोगों को दादरसी के लिए लोगों को रिलीफ देने के लिए कुछ भी नहीं है सवाल ये पैदा होता है कि ये बजट कहाँ जाता है क्यों नहीं तैयारी क्या इनके पास वो ड्रेस है जो कि केमिकल से इस तरह से हैजर्डियस मटेरियल से बचा जा सकता है मैं समझता हूँ बिल्कुल नहीं होगा लेकिन बजट में आप देखेंगे कि जरूर होगा और वो पैसे खा लिए गए होंगे ठीक मतलब ये इक्विप्ड ही नहीं है कोई क्राइसिस को हैंडल करने के लिए अच्छा दूसरी बात आपने एक बनाई नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पता नहीं क्या थी वो कहाँ है भाई
ये सूबाई भी बनी थी, वो कहाँ है, उनका तो हमने सुना ही नहीं सारे क्राइसिस में। तो बहुत ही एक गंभीर किस्म की, बहुत ही ज्यादा सीरियस किस्म के मसाइल हैं। अगर हम बुरा मानते थे इस बात पे कि फेल्ड स्टेट की तरफ हम जा रहे हैं, तो और क्या हम मिसाल दें कि फेल्ड स्टेट में क्या होता है। तो हमें होश के नाखून लेने चाहिए, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी जो है वो महसूस करनी चाहिए, और सिर्फ सियासत के ब्लेम गेम से निकल के पाकिस्तान का सोचना चाहिए, पाकिस्तान की शहरियों का सोचना चाहिए, और इस किस्म की चीज़ों के लिए अपनी तैयारी करनी चाहिए। और खाली अब पीली अब बहुत हो गया, अब थोड़ा सा लोगों को रिलीफ की बात करें। डॉक्टर साहब, माण्हुनि खे रिलीफ ॾियण जे हवाले सां ॻाल्हि करणु घुरिजे। हिकिड़ो ॿियो मामिलो, सिंध में अमन अमान जी बदतरीन जेका सूरत हाल आहे, रोज़ानो जी बुनियाद ते जेके ॾोह थियनि था, स्ट्रीट क्राइम्स अनलिमिटेड आहिनि, माण्हुनि जो अगवा, क़तल, ज़्यादतियूं, पर हीअ जेके ताज़ा ॿ वाक़िया थिया आहिनि सिंध में, पीपल्स पार्टी जी सिटिंग एम पी ए शहनाज़ अंसारी जो ॾींहुं ॾिठे क़तल, उन जा क़ातिल गिरफ़्तार न थियणु, ऐं सिंध में सहाफ़ी जो क़तल थियणु, जंहिं ते पीपल्स पार्टी पंहिंजियूं वज़ाहतूं ॾियण में पूरी आहे। साल ॾेढ अॻु में उनजी जेका वीडियो वायरल थी, उन ट्रेन मार्च जे हवाले सां जेके उन चयो त मूंखे धमकियूं मिली रहियूं आहिनि, तव्हां ॾिठो हूंदो। सवाल जेके आहिनि सो पीपल्स पार्टी जी कारकर्दगी या उन्हनि जे रिज़ल्ट ते हाणे अचनि था, त आवाम खे कॾहिं ख़बर पवंदी इन्हनि जा क़ातिल आख़िर केरु हुआ, या इहे मोमा, इहे क़तल ईअं मोमा रहंदा। सभ खां पहिरियों त मां अफ़सोस जो इज़हार कयां थो, ऐं उन्हनि जा जेके पोयर आहिनि, अदी शहनाज़ वटि त दुआ घुरी आहे, असांजी कुलीग हुई, ऐं अज़ीज़ साहब जे पोयरनि खां बि मूंखे उन जी ताज़ियत कयां थो, अलाह ताला उन खे मग़फ़रत कंदो। ऐं उन खां पोइ जीअं तव्हां इहा ॻाल्हि कई, मां हिकिड़ी गुज़ारिश कयां त बिल्कुलु इहे ॾाढा ख़तरनाक वाक़िया थिया आहिनि, ऐं साॻिए ज़िले में थिया आहिनि, ऐं उन में उन जेको उनखे जेकी बाज़ारि जेकी आहे शहनाज़, अदी शहनाज़ वारो वाक़ियो आहे, उहो त ज़ाती जेकी आहे उहा उन्हनि जी दुश्मनी, सिक्योरिटी त घुरी न हुन, सिक्योरिटी हुन घुरी हुई सूबाई हुकूमत खां, हुन जे हस्बैंड जो चवण थो, असां डीसी खे चयो त भई असांखे थ्रेट्स आहिनि, असांखे धमकियूं मिली रहियूं आहिनि, को तहरुक न वरितो वियो, का सिक्योरिटी न ॾिनी वई। न, मां हिकिड़ी गुज़ारिश कयां, बिल्कुलु मूंखे बि उन्हनि इहो ॿुधायो, एप्लीकेशन बि ॾेखारियो, मीडिया ते बि अचे थो, उन एस पी खे चयो, डी सी खे चयो, ऐं जेके ॿिया सी एम खे चयो। असल में ॻाल्हि इहा त आम तौर ते इहो ई महसूसु कयो वेंदो आहे, मां इवन जेको आहे मां तव्हांखे पाण ॿुधायां त 2013 में मुंहिंजे घर जे भरिसां बि ब्लास्ट थी वियो, हिकिड़ो धमाको थियो, हिकिड़ी माइंड्स जेकी आहे उते कई, हिकिड़े ॿार जो हथु ज़ाया थी वियो, ॿ टे ॿार ज़ख़्मी थी पिया। असल में ॻाल्हि इहा त इहे इशू ज़रूरु आहिनि, ऐं बिल्कुलु सरदार साहब सां मां सियासत खां हटी करे इन शइ ते एग्री कंदुमि त जेके माना असांजो जेको आहे न, ईअं सम्झो त पहिरियों जेकी तयारी नाहे, जॾहिं वाक़ियो थी थो वञे पोइ त असां धाड़ घोड़ा कयूं था कीअं थियो, हे थियो, जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जो जेको बि आहे इशूज़, उहे इशू जेकॾहिं उहे ॾिसो न, असां हाणे जेकॾहिं मां इहा ॻाल्हि कंदुमि त आई जी वारे हवाले सां, त उहे उन वरी साॻी हर तव्हां ई मथां सोचो त पोलिटिसाइज़ करे थो। इशू इहो आहे त जीअं मां पहिरियों चयुमि त जेके जेके इदारा आहिनि आइन ऐं कानून में जेके इख़्तियारात ॾिना विया आहिनि, उन इख़्तियारात तहत जेकॾहिं सॼो कमु थिए, मां नथो सम्झां त को अहिड़ो इशू थिए। बाक़ी हाणे हिकिड़ा धुका वाक़िया त तव्हां पाण ख़बर आहे त हुन में थींदा, पर हिकिड़ो तव्हां मां तव्हांखे नंढिड़ो मिसाल ॿुधायां त जॾहिं नेशनल हाईवे हुई, हिकिड़ो रोड हुयो, त उते एतिरा एक्सीडेंट थींदा, वॾा वॾा जेके आहिनि माण्हू जेके आहिनि अलाबे सूमरे जो एक्सीडेंट थियो फैमिली सां गॾु, वॾा वॾा माण्हू जेके आहिनि उते मुआ, इहे तव्हां मर्दा ऐं असां पाण टीवी ते जब सिंधी समझते जब पीटीवी होती थी तो हम देखते थे कि वो रोज वहां पर मतलब कोई ना कोई हादसा हो जाता था। फिर हम मुसलमान है, हमारा ईमान भी ये, हम ये कहते थे कि भाई ये कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ यो थियो, पर वरी जदी उन ते डबल रोड थियो तो ये समझो तो इजराइल ही तो माने पांजा टपड़ खणी करे के बे पासे हलियो गयो। बिल्कुल सरदार साहब सा एग्री किया तो जेके भी इशूज आहन, जी तमाम रेबीज इंजेक्शन के हवाले से गालू क्य उन में बि खोड़ इशू आहिनि। मां पाण स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ जो चेयरमैन आहे, तव्हां यकीन कयो त उन में बि असांजा जज हज़रात जेके आहिनि उन जा आहिनि, उन जा मेंबर आहिनि, उहा जेकी कमेटी थींदी आहे तालुका लेवल ते, या जेके बि प्रिक्रूटमेंट कमेटी थींदी आहे उन जा मेंबर आहिनि, ऐं जॾहिं उहे रेबीज़ उन्हनि खे जेकी लिस्ट वञे थी, उन डॉक्टर त आहिनि कोन, टेक्निकल आहिनि कोन, लिस्ट वञे थी उन ते रेबीज़ जी इंजेक्शन लिखियलु आहे, त उन खे चवनि था इहा लिस्ट में न आहे त इहा
ना वी सको हाँ पा पे हॉस्पिटल में ती विजिट कई उते सजा जेके भी आने जेके उते मेडिसिन जी जरूरत है पीपल्स पार्टी जी गवर्नर जो फेलियर आ है इन के वफाक ते इन जी जिम्मेदारी नहीं बन सके 12 सालन का सिंध में बिल्कुल ना है फेलियर बिल्कुल ना है मा ता से एग्री न थो क्या मसलो यो आ त पीपल्स पार्टी जी गवर्नमेंट हो जे या वफाक जी गवर्नमेंट हो जे या कहीं भी सूबे जी गवर्नमेंट हो जे जेकी गवर्नमेंट आ है उने के ता उनी जी जिम्मेवारी दियो उनी में ता इंटरफेरेंस न कयो गैर जरूरी मुदाखलत न कयो वो मां चवां तो ता उनन के जिम्मेवार भी ठहरायो हने असा दा कयो ता यको ता आईजी असा के सही ना है असा उन सा कम नथा कर सकौ ए वो वरी जको आईजी साहब अची करे वरी मां जा ये समझो ता तंज भी करे ए चाहे भी सही तो कोई मां के बदली न तो कराए सके त एड़ी ये त मां एकड़ी मां बुदा ना बनाना जेकी स्टेट आ उनी में भी एड़ी सूरत हाल न थिंदी उनी में वरी ता सब एकड़ो गाल या ना ता जकडे मां के कोई इख्तियार न दियो कोई इख्तियार न हो पोनिस्टान की टैबलेट देने की पोजिशन में भी न होजा मैंने बिजली जो पोल देने की पोजिशन में भी न होजा मे पा खबर आ मैं कड़ा इख्तियार एम पी ए या जो गवर्नमेंट जो इख्तियार न हो जिम्मेवार सो ठहरा या ना इंसाफी है उनमें जिम्मेदारी असानी जी है असा उनके जो भी होी हुकूमत दिफा न तो क्या जर्नली वफाक हूँ सूबे तीनों में बी गाल टाइम असो मिनिस्टर हो इखलाकी तौर से जो चवन अस शेख रशीद सारी दुनिया के क्रिटिसाइज कहो तुम एडो वो वाक्य थो उनके इस्तीफा छो ना दियो चे मैं इस्तीफा जी जमीर जागो तो दींदुम हाँ इं जैसे सोच हो जाए मानून की तो हाँ उनमें तो बेहतरी की जरूरत है। सरदार साहब शहनाज अंसारी का कतल हो या अजीज मेमन का या सिंध में इस तरह के बदमनी के लातादाद वाकयात पीपल्स पार्टी कहती हमारे खाते में नहीं है। हम तो पहले ही कह चुके हैं कि आई जी जो है वो सियासी है और वो हमारे साथ वन पेज पर नहीं है। अब जो भी वाकयात होते हैं या तो फिर वो आईजी सिंह के से उनका जो है वो साहब मांगा जाए या फिर वफा की हुकूमत जो उस आईजी को ऑन कर रही है। अब तक देखिए अगर आईजी इतना ज्यादा अहम है कि अगर कहीं चोरी भी होती है तो आईजी जिम्मेदार और कहीं कत्ल होता है तो आईजी जिम्मेदार, तो अगर आईजी इनकी मर्जी का नहीं है और वफाक नहीं दे रही तो फिर ये हुकूमत में बैठ के कर क्या रहे, इनको हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, मतलब इसी इशू पे छोड़ देनी चाहिए कि आईजी हमारी मर्जी का नहीं है तो हम लॉ एंड ऑर्डर नहीं देख सकते इस सूबे में, तो लिहाजा हम रिजाइन करते हैं, एक पॉलिटिकल क्राइसिस हो जाएगा, प्रेशर बनेगा। ठीक, तो बात ये नहीं है आईजी की, ये सारे एसएसपी जो लगाए हैं इनके अपने लगाए हैं, पीपल्स पार्टी के लगाए हैं। ठीक है, वजीर आला हाउस से लगे हैं, लेकिन वो तो एक आर्गुमेंट है, चलता रहेगा। हम बात करते हैं अब नौशेरो फिरोज की। तो मैं इस पे जरूर जरूर आपसे पूछूंगी, फिर माफ कीजिएगा आप कंटिन्यू कीजिएगा। क्या पीपल्स पार्टी का जो सीएम है वजीर आला सिंध है वो इतने बेख्तियार थे कि शहनाज अंसारी ने इतनी एप्लीकेशंस दी, अजीज मेमन बरमला कह रहे थे उनको थ्रेड्स हैं, तो उनको दो जो है वो सिपाही दे देते, दो पुलिस गार्ड दे देते, इतने मिनिस्टर्स के पास इतनी इतनी बड़ी बड़ी मोबाइल्स, चार चार पांच पांच इतने गार्ड्स होते हैं, तो क्या इतने बे इख्तियार हैं हमारे जो है सीएम साहब? नहीं, जो जिनको कत्ल किया गया, बड़ा अफसोस है मुझे शहनाज साहब को, एमपीए को, वो आपकी कौन सी कमेटी है, सिक्योरिटी जो पूरी सूबे की सिक्योरिटी देखते हैं जी जी, जिसमें आईजी साहब को बुला के डांटते हैं, अभी अभी कमीशन, सेफ्टी कमीशन, उसकी मेंबर भी थी, मेंबर भी थी। ठीक है, तो उनकी अपनी एप्लीकेशन उसमें डली हुई, हाँ उसमें डली हुई है ना। ठीक है, तो जो आप वाली बात है, तो प्रायोरिटी होती है ना, इनकी प्रायोरिटी में नहीं है शायद, तो ये वाकयात होते हैं और इनके पास एक है ड्रम बजाने के लिए कि आईजी की वजह से ये हो गया। ठीक, जो कुछ भी हो गया आईजी ने किया, ये आईजी जिम्मेदार है, तो ये इस तरह से तो गवर्नेंस, लैक ऑफ गवर्नेंस हम कहते हैं कि गवर्नेंस नहीं है, तो यही सारी चीजें हैं जो कि जिसकी वजह बनती है कि गवर्नेंस नहीं है। लेकिन नौशेरो फिरोज में एक तो इनकी अपनी एमपीए, उसका बेईमाना कत्ल हुआ, उन्होंने दरख्वास्त डाली भी थी कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर वो सहाफी बेचारा जो कि एक बेबाक सहाफी था और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बेहतरीन किस्म का था, इतना बड़ा इस एक वाकया के ट्रेन मार्च का उसने वो एक्सपोज कर दिया कि कुछ लोग पैसे पे भी बुलाए थे। ठीक है,
वही स्टेशन पे ही बैठ के उनका इंटरव्यू ले लिया, उन्होंने कहा कि जी हमें पैसे। और फिर इस्लामाबाद तक गया था बेचारा। नहीं, इस्लामाबाद इस वजह से गया कि फिर उस इंटरव्यू के बाद उसको थ्रेट्स आ गए, और वो उसने यही मुनासिब समझा कि अपनी जान बचाए और इस्लामाबाद गया कोई मदद करेगा, फिर उसकी कोई मदद नहीं हुई। बहरहाल फिर उसको कत्ल कर दिया गया। जो भी कत्ल होता है उसका कोई ना कोई मोटिव होता है। बिल्कुल। अब इसमें क्या मोटिव होगा उसको कत्ल करने का? तो सबसे पहली बात तो यही आती है ना जहन में कि क्योंकि उसने वो स्टेशन पे माइयों से इंटरव्यू लिया था, वो किसी को बहुत पसंद नहीं आया, इसकी वजह से उसको रास्ते से हटा दिया गया। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, पुलिस तो मोटिव पहले देखती है और फिर वो इन्वेस्टिगेट करती है, तो एक ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है जिसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दूसरा, फिर ये कोई पहला वाकया नहीं है साफियों को कत्ल करने का। इससे पहले अली शेर राजभर को कत्ल किया गया, जो कि जनरल सेक्रेटरी था पटीधन प्रेस क्लब का। ये मेहरापुर के सदर भी रहे हैं अजीज मेमन, वो अली शेर राजभर जो है वो पटीधन के जनरल सेक्रेटरी थे, उसको भी कत्ल कर दिया गया। मैं गया था उनके लिए उधर उजर खाई के लिए, मतलब गरीब तरीन लेवल पे उनकी गुजर बसर थी। उनकी क्या किसी के साथ लड़ाई हो सकती है, कौन सा क्या हो सकता है, लेकिन चूंकि उनकी साफियाना जो कारकर्दगी थी वो वहाँ के लोकल जो लोग वडेरे हैं या वडेरे और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वो उसके लोकल बॉडीज के, उनको शायद पसंद नहीं आई। अब ठीक, कत्ल हो गया, FIR नहीं कट रही, फिर वो साफी बरादरी सारी खड़ी हो गई, FIR कटी नामालूम। और वो जो जिन लोगों पे उन्होंने शक जाहिर किया सबको बेल बेल हो गई, सब आराम से बैठे हैं। तो इंसाफ अगर नहीं मिलेगा, और खासतौर से साफियों को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा, तो ये सिस्टम कैसे आगे चलेगा? लेकिन सरदार साहब, यहाँ पे पीपल्स पार्टी की एक ही रट है कि IG जब तक तब्दील नहीं होगा तब तक सूबाई हुकूमत से ना पूछा जाए। तो IG वाले मामले पे वजीर आजम और वजीर आला सिंध की मुलाकात हुई थी, बकौल वजीर आला के वजीर आजम साहब से मुशावरत की गई थी, उसके बाद दो नाम दिए गए, फिर तीन नाम दिए गए, पांच नाम दिए गए, लेकिन GGA की जो है वो प्रेशर। हाँ सभी, मैं आपको बताता हूँ, देखिये ये सिलसिला जो है ना आईन से मुंसलिक है, ठीक है। 18वीं तरमीम किसने की? इन्होंने की, ठीक, मतलब ये एक मेजॉरिटी पार्टी थे उस वक्त। तो आईन में चेक्स एंड बैलेंसेज होते हैं, आईन में ये चेक्स एंड बैलेंस है कि वफाकी हुकूमत को नाम तजवीज करेंगे, क्योंकि उस काडर के लोग जो हैं ग्रेड के IG चीफ सेक्रेटरी वो वफाकी हुकूमत के तहत हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत नाम तजवीज करेगी 4-3 और वफाकी में उसमें से एक जो है गौर व खौस के बाद आफ्टर डिस्कशन वो एक नाम चुनेगा। अच्छा, मैं होता तो उसमें कहता कि ये गौर व खौस जो है वो 1 महीने की हद होगी इसमें, या 15 दिन की होगी, ये 1 हफ्ते की होगी, 4 दिन की होगी, टाइम फ्रेम देता ना उसको। तो 18वीं तरमीम बनाने वालों ने उसको कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया, तो गौर व खौस तो 6 महीने भी हो सकता है, साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, ठीक है। तो नुक्स है जिनको अगर फिजा बने अंडरस्टैंडिंग की, तो ये नुक्स दूर भी किया जा सकता है, ठीक। तो ये अपने ही उसमें 18वीं तरमीम के जाल में फंस गए बहुत सारी जगह। तो ये कहना कि वफाकी हुकूमत नहीं कर रही, तो उसमें आपने गुंजाइश छोड़ी है कि वो ना करें, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मामला हल हो सकते हैं। हो सकते हैं ना। अगर वफाकी ऐं सूबाई हुकूमत एकड़ी पेश ते अचन ऐं वजीर आजम वडो वजीर एग्री भी हुआ, वडे वजीर जी स्टेटमेंट हुई, तो वजीर आजम का मुशावरत कई वही, उनखां पो यो जो को तासुर हुओ थियो जडे पीर साहब पगारा सा वजीर आजम नी मुलाकात थी, ऐं GDA इन गाल खां जो को सो तहफुजात दिखारिया, त ही पंज नाला जेके दिना वयान, ईं कुछ मामलो हुयो? बिल्कुल तां सही चो था, गाल या त तय थी वो पा स्टेटमेंट अची वही प्राइम मिनिस्टर के तरफों, यो तय भी थो, उन्हीं वरी या गाल कई वही। मैं एक तक गुजारिश क्या, अज जैं यो प्रॉब्लम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, सुबह मुमकिन है तो सूबे के अंदर बी का गवर्नमेंट हो जाए, खोड़ अड़ी शुभ सरदार साहब से एग्री क्या तो, पर गाल इखलाकी तौर पर इखलाक की गाल क्या जो आइनी जो राइट आ
तव्हां जेकॾहिं पंज आई जी पंजाब में तब्दील करे छॾियो था, चीफ मिनिस्टर चए थो उते देरि नथा कयो, ऐं तव्हां के पी के में टे आई जी तब्दील करे छॾियो था, सिर्फ़ु सिंध सां माटली माह वारो सलूक ॻाल्हि आहे त गवर्नमेंट जंहिंखे मैंडेट माण्हू ॾिनो आहे उन्हनि खे तव्हां गवर्नमेंट करणु ॾिनी वञे, उन में जेकॾहिं इहा इंटरफेरेंस थींदी त पोइ तव्हां पाण ॾिसो त जेकी सूरत हाल हिते ख़ासि करे जेकी थिए थी उहा ख़राबु थिए थी, ऐं असां बिल्कुलु मां इन असांजे ख़िलाफ़ु एॾी प्रोपेकंड आहे जो माना जीअं कुते वारी वैक्सीन इहे ॿियनि सूबनि में बि अहिड़े क़िस्म जा वाकिया थियनि था, पर हिते असां सां अहिड़ी आतादी आहे, ॿारहं साल पंजवीह पंजवीह टीह टीह साल रहियूं आहिनि सभिनि हिंदुस्तान में, पंजवीह टीह टीह साल हिकिड़ा अहिड़ा जेके टीह चालीह चालीह साल चीफ मिनिस्टर पाण चीफ मिनिस्टर रहिया आहिनि, आख़िर पाण माना एॾी एज इजाज़त न ॾिनी पोइ उन छॾे विया आहिनि, असांजे जेकॾहिं ॿारहं साल या यारहं साल तेरहं साल अवाम मैंडेट ॾिनो आहे न, माण्हुनि चूंडियो आहे न, उन में हाणे उनखे छा करे सघिजे थो। अच्छा, ऐं बिल्कुलु मां इहो सरदार साहब वारी मुंहिंजी ज़ाती पार्टी जी न, मुंहिंजी ज़ाती राय ई आहे, बिल्कुलु सरदार साहब जेको चए थो बिल्कुलु उनखे जवाबु ॾियणु खपे, बाबा असां कमु न कंदासीं अहिड़ी सूरत हाल आहे जेको तव्हां कमु नथा करणु ॾियो, अहिड़ो स्टैंड असेंबली ताईं वरितो आहे, हर शइ तां वरितो आहे, पोइ सुभाणे वरी जेकॾहिं अहिड़ी असां ॻाल्हि कयूं था सरदार साहब अगरि हम ऐसी बात कर दें तो ये कहते हैं कि भाई आप जो हैं वो तो मरकज के खिलाफ हो गए, खुदा न खास्ता आप पाकिस्तान के खिलाफ हो गए, हमने तो आपको पता है मोहतरमा बेनज़ीर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से शहीद से लेकर आप भी किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी में थे, आपको भी पता है, आपने बड़ी स्ट्रगल की, आप भी पॉलिटिकल आदमी, आपको सारा पता है, आप अल्लाह ने आपको मिनिस्टर भी बनाया, हमारे आप कुलीग भी रहे, दोस्त भी रहे, भाई भी रहे, आपको पता है सारे मामलात, मामलात अगर सही तरीके से ईमानदारी से सब अपना अगर जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो इश्यूज आएंगे, फिर आप किसी को जिम्मेवार भी नहीं कर सकते हैं सरदार साहब, आप एक ये तो पूरा मुल्क है, आप एक होटल के अंदर अगर आप थोड़ी नेग्लिजेंस ही करें उसमें कोई मिसाल के तौर पर जहरीली चीज आ जाए तो उसमें कितने मसले मसाले, तो उसमें आपको कितनी चौकसी करनी पड़ती है, ये तो पूरा मुल्क है यहाँ पर जिम्मेवारी है जो हुकूमत में, लेकिन ये है कि जिनकी जिम्मेदारी है आप उनको इख्तियार दें, हिंदुस्तान में केजरीवाल वहां पर आपको पता है कि मरकज में किसकी हुकूमत है, उन्होंने उसका पूरा बेड़ा गर्क कर दिया बीजेपी का, उन्होंने सारी जो है अपना वो पता नहीं बिजली पानी पता नहीं क्या क्या उसने फ्री कर दिया, लेकिन वो इंडिपेंडेंट इख्तियार हैं उनके पास, यहाँ तो आप इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं है, इख्तियार जो हैं तो वो कहते हैं कि आप जिम्मेदार आप हैं, तो ये मैं अपने सिंध के हवाले से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, जो भी हुकूमतें जो भी प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर हुए, इवन जो भी चीफ मिनिस्टर्स हुए, फिर आप उनको पकड़ें, अगर उनकी कोई गलती है पकड़ें, आप इख्तियार दें तो फिर पकड़ें, इख्तियार नहीं दें तो फिर तो जाहिर है, अब एक आईजी के मसले पे मिसाल के तौर पर आपकी बात को सही माना जाए, अगर आईजी के मसले अगर आईजी दूसरा हो जाता खुदा ना खास्ता फिर ये वाकयात हो जाते तो फिर तो हमें कहते ना कि भाई आप तो अभी आपने जो आईजी कहा लिस्ट में आपने जो नाम दिए वो आ गया उसके बाद भी ये हालात हुए हैं तो जिम्मेवार हो सकते हैं हम। मैं इसमें थोड़ा सा अगर ऐड कर दूं अगर आप इजाजत दें। जी जी बिल्कुल। लेकिन पुलिस चलती है पुलिस एक्ट के तहत, आईजी पुलिस एक्ट में तदमीम नहीं कर सकता, ठीक है, तो कोई डीआईजी बाहर से आए हो, कोई एसएसपी बाहर से आए हो, कोई एसएचओ बाहर से आए हो, सब सिंध के ही है, ठीक है, और वो लग रहे हैं और पुलिस एक्ट के तहत काम कर रहे हैं, तो फिर ये आईजी बेचारा जो है ये इसको जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हैं? जिम्मेदार हमने ये में भी अब ग्रुपिंग हो गई है, ग्रुपिंग हो गई है, आप अंदर आप अंदर ये जो पार्टी में भी इतनी ग्रुपिंग नहीं, इतनी लाइकिंग पर्सनल लाइकिंग, ये बात मुझे कहनी चाहिए थी, अच्छा हुआ आपने कह दी। ये पुलिस में ग्रुपिंग जो है, जो रिपोर्ट आई थी आपके इल्म में होगा, सिंध में सबसे ज्यादा रिपोर्ट ग्रुपिंग है, ठीक है, बल्कि ये भी था रिपोर्ट में कि क्रिमिनल एलिमेंट को पुलिस में दाखिल किया गया, ठीक, तो कौन जिम्मेदार है उसका अगर ग्रुपिंग है तो वही लोग जो जिम्मेदार है ना जो हुकूमत में है 12 साल से। ये तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के जमाने में आपको पता है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ था, आपको याद है आपको पंजाब के अंदर, फिर उसने हैंडल किया, उसको छोड़ा गया, उसको उसने सारा कहा कि भाई आप नहीं करते, नहीं अब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का तो हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं, ये तो कोई शक नहीं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, एक जुमले में अगर आप मुझे जवाब दे दें, सूरत हाल अब आपके सामने है, सिंध के मसाइल पे जीडी अपना जो है आवाज उठाती रहती है, वफाक के आप इत्तेहादी हैं,
आई सिंध में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए अगर पीपुल्स पार्टी चाहती है कि आईजी सिंध जो है उसको हटाया जाए, तो उसमें जीडी अपना क्या रोल अदा करेगी ताकि इस तरह से दिन दिहाड़े न लोगों को कत्ल किया जाए और न ही वक्त की जो हुकूमत है वो इसको इससे खुद को जो है बरी जिम्मा समझे। देखिये, बहुत सारे ऐसे इश्यूज आए जो कि हमने सिंध की खातिर गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, बिल्कुल किया, अपने इत्यादियों के बरखिलाफ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आईजी के मसले पर हम ये समझते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी का जो बरसर इकतदार हुकूमत है सिंध में, उनका रवैया ना ऑपोजिशन के साथ ठीक है ना जनरल पब्लिक के साथ ठीक है, ठीक है, मतलब उनका रवैया जो गुड गवर्नेंस का नहीं है। तो जो दो बड़े अहदे हैं, अगर वो भी इनकी मर्जी के इनके पास हो जाएंगे तो फिर हमारा क्या हाल होगा हमें पता है। मतलब आप एडमिट करते हैं कि इनकी मर्जी के नहीं होने चाहिए? नहीं, हम ये एडमिट करते हैं कि इनको चेक में रखा जाना चाहिए। जो आईन जो कहता है कि चेक एंड बैलेंस जो आईन के तहत है, पाकिस्तान का आईन, बाहर का नहीं, पाकिस्तान के आईन के तहत उस पर अमल होना चाहिए और इनको चेक में रखना चाहिए। मैं तबसा कर दूं जी, जी, अगर बुरा नहीं माने सरदार। बात ये, सरदार साहब बहुत अच्छे आदमी है, पीर साहब बहुत अच्छे आदमी है, और मेरे ख्याल में सिंध गवर्नमेंट को पीर साहब, उनकी एक पार्टी है, उनको हमेशा पहले अपोजिशन में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कोशिश की है बड़े पीर साहब को भी ऑन बोर्ड लेने की, अब भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए। दो चार ऐसे लोग हैं जो जीडीए के थ्रू जो कि कट्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालिफ हैं, और ये नहीं है मैं आपको बताऊं, ये इनका वो ये कतई तौर पर नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीर साहब या इनकी कोई पार्टी का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन हो, क्योंकि वो जाती तौर पे उनकी अपनी जाती अनाद है, इसकी वजह से मसले मसाइल आ रहे हैं। मेरे ये आप उसूलों पे सियासत करते हैं, हम ना पीपल्स पार्टी के साथ हैं ना किसी और पार्टी के साथ, हम उसूल, अगर सिंध के लोगों के मफाद में कोई चीज है हम उसकी बात करेंगे। फिर तो सदा साहब सिंध के मफाद, आवाम के मफादात को देखते हुए ये मामला जल्द अज जल्द हल होने चाहिए ताकि आवाम, इनको भी किरदार अदा, मैं तो ये कहता हूँ कि इनको भी किरदार अदा करना है, सबको किरदार, और उसके साथ साथ जो मतलब सिंध गवर्नमेंट है उसको भी किरदार अदा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का अपने आज के प्रोग्राम के लिए टाइम दिया। नाज़रीन हॉट इशू प्रोग्राम से वक्त ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो, इंदर प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अलावा Sim TV Network Mobile App. Watch live TV and all programs on your mobile. Download the app.